स्टूडेंट्स कैसा रहेगा 2024 में इंडिया की टॉप गवर्नमेंट यूनिवर्सिटीज और सबसे पुरानी यूनिवर्सिटीज में से एक यूनिवर्सिटी से बीटेक जैसा कोर्स करना। जी हां, मैं बात कर रहा हूं जामिया मिलिया इस्लामिया यूनिवर्सिटी की, जहां 2024 बीटेक एडमिशन्स के लिए डेट्स अनाउंस कर दी गई हैं। तो जेएमआई से अगर आप बीटेक करना चाहते हैं तो क्या है एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया, क्या है एडमिशन प्रोसेस, कैसे रहती है यहाँ पे ट्यूशन फीस, कैसे रहते हैं यहाँ पे प्लेसमेंट रिकॉर्ड्स, अगर आप सभी के क्वेश्चंस हैं तो बीटेक फंडामेंटल्स का आज का ये वीडियो आप सभी के लिए बहुत ज्यादा इन्फॉर्मेटिव होने वाला है, क्योंकि आज हम डिटेल में डिस्कस करने वाले हैं बीटेक एडमिशन 2024 जामिया मिलिया इस्लामिया यूनिवर्सिटी। सो हेलो एवरीवन, मेरा नाम है रोहित, मैं हूँ एक कंप्यूटर साइंस इंजीनियर, मुझे 10 से ज्यादा सालों का एक्सपीरियंस टॉप एमएससी में काम करने का, तो अपने इस एक्सपीरियंस के बेसिस पे मैं आप सभी को अच्छे से गाइड करने की कोशिश करूंगा। तो अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, अगर आपको वीडियो पसंद आता है तो उसे लाइक और शेयर करना बिल्कुल ना भूलें। तो बिना किसी देरी के स्टार्ट करते हैं आज के इस बहुत ही इंटरेस्टिंग वीडियो को। जामिया मिलिया इस्लामिया यूनिवर्सिटी जो 100 साल पहले एस्टेब्लिश हुई थी 1920 में, ये नैक A++ ग्रेड की टॉप सेंट्रल यूनिवर्सिटी है। यहाँ पे मैं आपको बताना चाहूंगा इस यूनिवर्सिटी में डिप्लोमा कोर्सेज से लेकर यूजी कोर्सेज, डिफरेंट पीजी कोर्सेज, पीएचडी प्रोग्राम्स तक ऑफर होते हैं। ऐसे ही यहाँ पे बीटेक कोर्स भी ऑफर होता है, और यहाँ से अगर आप बीटेक करना चाहते हैं तो यहाँ पे आपको मिलेगा बेस्ट रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट, यानी कि लो फीस और हाई प्लेसमेंट्स। थोड़ा सा रैंकिंग और रिकॉग्निशन की अगर हम बात करें तो जेएमआई, एआईसीटी और यूजीसी अप्रूव्ड है। लेटेस्ट एनआरएफ रैंकिंग 2023 के हिसाब से ये 3rd नंबर पे आती है ओवरऑल यूनिवर्सिटी कैटेगरी में, 26th नंबर पे इंजीनियरिंग कैटेगरी में, 25th नंबर पे मैनेजमेंट कैटेगरी में, और रिसर्च कैटेगरी में ये 20th पोजीशन पे आती है। एल्यूमिनाइज की अगर हम बात करें तो जामिया मिलिया इस्लामी से बहुत बड़े बड़े सेलिब्रिटीज पढ़े हैं, जैसे कि शाहरुख खान हो गया, इंडियन क्रिकेटर वीरेंद्र सहवाग हो गए, आज तक रिपोर्टर अंजना ओम कश्यप हो गया, तो ऐसे कुछ बड़े लोग हैं जेएमआई के एल्यूमिनाइज। तो जामिया मिलिया इस्लामी ने बीटेक एडमिशन 2024 के लिए नोटिफिकेशन जारी कर दिया है 20 फरवरी 2024 से, तो यहाँ पे आप रजिस्टर कर सकते हैं 20 फरवरी से 30 मार्च 2024 के बीच। फॉर्म एडिटिंग विंडो की अगर हम बात करें तो ये ओपन की जाएगी 4 अप्रैल से 10 अप्रैल तक, अगर आपको फॉर्म में कोई चेंजेस करने हैं। अब ये जान लेते हैं कि कौन कौन से बच्चे एलिजिबल हैं जेएमआई से बीटेक करने के लिए। तो 12th आपने पास की होनी चाहिए फिजिक्स केमिस्ट्री मैथमेटिक्स सब्जेक्ट के साथ, और एग्रीगेट परसेंटेज आपका मिनिमम 55% होना चाहिए। और हाँ, अगर आपके पास 3 साल का इंजीनियरिंग डिप्लोमा भी है विद मिनिमम 55% मार्क्स, तो भी आप एलिजिबल हैं यहाँ से बीटेक करने के लिए। अब एडमिशन प्रोसेस यहाँ पे कैसे रहेगा, तो यहाँ पे मैं आपको बताना चाहूंगा कि आपका जो जेई मेंस का स्कोर है वो यहाँ पे कंसिडर किया जाएगा जेएमआई में बीटेक में एडमिशन के लिए। तो जैसे कि आपको पता है कि सेशन 1 अभी कंक्लूड हुआ है और जेई मेंस का सेशन 2 अभी होना है, तो इसके स्कोर के बेसिस पे यहाँ पे एडमिशन होगा। जब आपके जेई के रैंक्स आ जाएंगे उनको आप ऑनलाइन सबमिट कर सकते हो जेएमआई की वेबसाइट पे जाकर, वहां पे आपको जेई मेंस का अपना एप्लीकेशन नंबर फिल करना होगा, और फिर अगर आप शॉर्टलिस्ट होते हैं तो आपको काउंसलिंग के लिए बुलाया जाएगा और फर्दर जेएमआई में एडमिशन होंगे बीटेक कोर्स में। अब जेएमआई का जो बीटेक का एप्लीकेशन फॉर्म है इसको फिल करने के क्या स्टेप्स हैं, तो सबसे पहले आपको विजिट करनी होगी इनकी ऑफिशियल वेबसाइट jmicoe.in को। इसके बाद क्लिक ऑन एडमिशंस टू रजिस्टर फॉर द डिजायर्ड प्रोग्राम। इसके बाद आपको अपना लॉगिन आईडी क्रिएट करना होगा, बेसिक इन्फॉर्मेशन डालनी होगी जैसे कि नेम, एकेडमिक क्वालिफिकेशंस, इसके अलावा कॉन्टेक्ट नंबर, ऐसी चीजें आपको फिल करनी होगी, और इसके बाद आपको सबमिट बटन पे क्लिक करना होगा। इसके सक्सेसफुल सबमिशन के बाद आपको वेरिफिकेशन लिंक आएगा आपकी ईमेल आईडी पे, उसमें आपकी लॉगिन आईडी डिटेल्स और पासवर्ड भी होंगे, और लिंक वेरिफिकेशन के बाद आप लॉगिन कर सकते हैं पोर्टल पे और अपने प्रोग्राम के लिए अप्लाई कर सकते हैं, रजिस्टर कर सकते हैं, यानी कि बीटेक के लिए रजिस्टर कर सकते हैं। और रजिस्टर करने के बाद आपको एप्लीकेशन फी यहां पे करनी होगी ₹700 फॉर बीटेक और ₹500 फॉर बीआर प्रोग्राम्स, और फिर आप एप्लीकेशन फॉर्म को फाइनली कंप्लीटली सबमिट करेंगे और उसका प्रिंट आउट ले सकते हैं फॉर फ्यूचर रेफरेंसेस, और जेएमआई की इस वेबसाइट से अपडेट लेते रह सकते हैं कि आपका एडमिशन प्रोसेस की क्या स्टेज चल रही है। तो यहां पे हमने अप्लाई करने की बात तो कर ली, लेकिन ये जानना बहुत जरूरी है कि यहां पे प्लेसमेंट रिकॉर्ड्स कैसे रहते हैं बीटेक स्टूडेंट्स के। तो पास में हाईएस्ट पैकेजेस यहां पे गए हैं 25 लाख पर एनम, और यहां पे जो एवरेज पैकेजेस जाते हैं स्टूडेंट्स के वो जाते हैं 8 से 10 लाख रुपए के करीब। टॉप हायरिंग कंपनी जो यहां पे आती है बीटेक स्टूडेंट्स के लिए उसमें है जैसे कि आईसीआईसी हो गया, केपीएमजी हो गया, एक्सेंचर हो गया, डीएलएफ, अमेज़न, ऐसी टॉप हायरिंग कंपनीज आती है बीटेक स्टूडेंट्स को रिक्रूट करने के लिए। ब्रांचेस एंड स्पेशलाइजेशन की अगर हम बात करें जो यहाँ पे ऑफर की जाती है एज पर न्यू एजुकेशन पॉलिसीज, तो उसमें कोर ब्रांचेस आती है जैसे कि कंप्यूटर साइंस इंजीनियरिंग, इसके अलावा कंप्यूटर इंजीनियरिंग, इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग, इलेक्ट्रिकल मैकेनिकल एंड सिविल इंजीनियरिंग। इसके अलावा कुछ न्यू ब्रांचेस लॉन्च हुई है जैसे कि बीटेक सीएससी इन डेटा साइंस आप कर सकते हैं, इसके अलावा बीटेक इन इलेक्ट्रिकल एंड कंप्यूटर इंजीनियरिंग, और बीटेक इन इलेक्ट्रॉनिक्स
VLSI डिजाइन एंड टेक्नोलॉजी, ये सभी नई स्पेशलाइजेशन है जो यहाँ पे ऑफर की जाती हैं। अब बात करते हैं फी स्ट्रक्चर की। तो यहाँ पे मैं आपको बताना चाहूंगा कि अगर आपका JMI में BTech में एडमिशन होता है तो फीस है बहुत ही कम, यानी कि ROI बहुत ही अच्छा है। फीस की अगर हम बात करें तो एक साल की फीस यहाँ पे 16,500 रुपए, यानी कि पूरे 4 साल की BTech कोर्स की फीस है लगभग 65,000 रुपीज। और न्यूली लॉन्च जो BTech कोर्सेज है उनकी फीस थोड़ी सी ज्यादा है, पर ईयर 1.5 लाख रुपीज। बीटेक में कितनी सीट्स हैं उनकी अगर हम बात करें तो पर ब्रांच यहाँ पे 70 सीट्स हैं, यानी कि टोटल आपको 500 से 600 सीट्स मिल जाएगी यहाँ पे बीटेक कोर्स के लिए। अब बीटेक के लिए कट ऑफ की अगर हम बात करें तो कैटेगरी वाइज कट ऑफ आप देख सकते हैं कि 2023 में कैसे रहे थे और 2024 में भी इसके आसपास ही संभावना रहेंगी। तो इसकी लिस्ट आप कंप्लीट स्क्रीन पे देख सकते हैं और चेक कर सकते हैं आपको कितना स्कोर करना होगा यहाँ पे एडमिशन लेने के लिए बीटेक कोर्स में। तो स्टूडेंट्स, आई होप आप में से जो स्टूडेंट्स जामिया मिलिया इस्लामी को टारगेट कर रहे हैं 2024 में बीटेक करने के लिए, उनको कंप्लीट इन्फॉर्मेशन मिल गई होगी। तो अगर आपको आज का ये वीडियो पसंद आया तो जरूर इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। जल्द हम लेके आएंगे बीटेक फंडा बेसन स्टोन पे एक और ऐसा ही बहुत ही इंटरेस्टिंग और इन्फॉर्मेटिव वीडियो। तब तक आप सभी अपना ध्यान रखें। स्टे ट्यून्ड, स्टे सेफ एंड बिलीव इन यू।